फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज मैं खस्ता मछली की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रेकमेंडेड रेसिपी है। और प्लीज मेरा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट्स एंड शेयर जरूर करिएगा, प्लीज भूलिएगा नहीं। इसे आप घर पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से खस्ता मछली बनती है। मछली बहुत तरीके से बनाई जाती है, पर यहाँ पर मैं मैदा और कस्तूरी मेथी की मट्ठी बनाकर दिखाऊंगी। देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनी है। चलिए बताते हैं खस्ता मट्ठी बनाने के लिए किसकी सामग्री की जरूरत पड़ेगी। ये 2 ग्लास मैंने मैदा ली है, 1 चम्मच मैंने अजवाइन ली है, थोड़ी सी मैंने कस्तूरी मेथी ली है और नमक स्वादानुसार पड़ेगा। ये ऑयल लिया है मैंने डीप फ्राई के लिए और मैदा में डालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं मठरी बनाना। मैंने एक परात ली है, उसमें मैंने मैदा डाल दिया है, अजवाइन, कस्तूरी मेथी थोड़ी हाथ से रगड़ के डाल दे, नमक स्वादानुसार पड़ेगा, मट्ठी में बहुत ज्यादा नमक भी नहीं अच्छा है। ये मैंने 2 ग्लास लिया है, यानी मुझे आधा ग्लास मुझे इसमें ऑयल डालना है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये आधा ग्लास मोइन लिया है, आप रिफाइंड देसी घी कोई का भी डाल सकते हैं, और इसको इसमें मिलाते हैं। क्रिस्पी मट्ठी बनाने के लिए आप अगर 1 किलो मैदा लेते हैं तो उसमें 250 ग्राम आपको ऑयल डालना पड़ेगा। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। देखिए ये मुट्ठी ऐसे करते हैं, ये अगर बन जाए तो इसके मतलब आपका ऑयल ठीक है। अब इसमें मुझे थोड़ा थोड़ा ऑयल पानी डाल के मारना है, थोड़ा थोड़ा डालना है जिससे गीला ना हो। अब देखिए मेरी मैदा मर गई है, इसको थोड़ा सा चिकना करते हैं। इसको ज्यादा मारना नहीं होता है क्योंकि मैं मट्ठी को फुलाना नहीं है ना, और इसको मैं 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। ये मेरा मर गया है, 15 मिनट के लिए मैं इसको रख रही हूँ। 15 मिनट हो गए हैं, अब मेरा आटा चिकना हो गया है। अब इसकी मैं मट्ठी के लिए लोई बनाऊंगी और उधर गैस पे कढ़ाई भी चढ़ाऊंगी, तेल गरम हो जाएगा जिससे मेरा छोटी बड़ी अपने अकॉर्डिंग आप लोई रख सकती हैं। मट्ठी थोड़ी सी मोटी ही होनी चाहिए। ये लोई बनके तैयार हो गई, इसको ऐसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। सारे ऐसे प्रेस कर लेंगे, इसके बाद बेलना शुरू करेंगे। ये देखिए एक लोई हल्की सी मोटी ही रखनी है। इसको ऐसे छेद करने हैं, दोनों साइड से करने हैं जिससे मट्ठी फूले नहीं। इसी तरीके से सारी बेलनी है। इसको बहुत गोल करने की जरूरत नहीं होती है, किनारे इसके कटे हुए ही अच्छे लगते हैं मट्ठी में। उधर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है। ये देखिए मैंने इतनी मट्ठी बेल के रखी है, इसको मैं कढ़ाई में डालने जा रही हूँ। अब मेरा ऑयल देखिए कढ़ाई में गर्म हो गया है, अब मैं मट्ठी इसमें डालने जा रही हूँ। बहुत गरम नहीं करना है, ये धीमी आंच पे ही इसको मट्ठी को पकाना है। लो टू मीडियम आंच पे ही कढ़ाई को रखना है। तेज आंच पे लाल हो जाएंगी बट सॉफ्ट रहेंगी, हम लोगों को क्रिस्पी बनाना है।
उधर मटरी मेरी डीप फ्राई हो रही है और इधर आप चाहिए तो बीच बीच में एक ही काली मिर्च भी लगा सकते हैं, कुछ में लगा सकते हैं कुछ में नहीं, जैसा भी आप चाहें। ऐसे गले में आपको फायदा देगा। मटकी को देखिए मैं पलट रही हूँ, ये लाल होने लगी है, ये देखिए। अब दूसरे साइड के लिए पकने के लिए धीमी आंच में टाइम लगता है, धीमी आंच में ही आपको पकानी है, सबको पलट देना है। ये देखिए कलर आने लग गया मटकी का। अब दूसरे साइड पर भी भूनना है। देखिए मेरी मटकी जो है बनके तैयार हो गई है। अब इसको पेपर पे ही निकालना है, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो सोख लेगा। इसी तरीके से आपको और मटकी डालनी है। मेरी मटकी बनके तैयार हो गई है, बहुत ही खस्ता बनी है, देखने ही बहुत टेस्टी लग रही है। अब आप लोग घर पे बनाइएगा और ट्राई करिएगा, बताइएगा मेरी मटकी कैसी लगी, कैसी मेरी रेसिपी लगी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।